हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों इस चैनल पे आज हम बात इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं FEL के बारे में। आप सबको पता है कि कल 15 तारीख को FEL का जो आउटकम आया था, बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट आया था, उसमें लॉसेस वगैरह दिखी हैं। तो कितना लॉस है, क्या है टोटल, हम इस वीडियो में समझेंगे और समझेंगे कि जो स्टॉक प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी तो फ्लैट खड़ा है, इम्पैक्ट नहीं है कुछ ज़्यादा, फ्लैट खड़ा है स्टॉक इसका। तो हम ये टोटल समझेंगे इस वीडियो में। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पे हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो प्रस्तुत करते हैं आपके सामने, जो कि आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है और आपको अवेयर रखता है, आपको सीखने को मिलता है बहुत कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और चलते हैं इनके बैलेंस शीट की तरफ, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की तरफ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो यहाँ पे नेट इनकम प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिखा रहा है 278 करोड़ का। उसके बाद पेड अप इक्विटी कैपिटल फेस वैल्यू 2 करोड़ ये दिखा रहा है। उसके बाद नीचे EPS वगैरह डिलीवड EPS वगैरह दिखा रहा है। तो टोटल जो हम एक बार नीचे चलेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे आप लाइबिलिटीज़ भी इनके देख सकते हो। लाइबिलिटीज़ कम हुई हैं, क्यों कम हुई हैं, क्योंकि रिलायंस ने पैसे चुकाए हैं इसलिए लाइबिलिटीज़ भी इनकी काफ़ी कम हुई हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए अच्छी खबर है अगर लॉस हुआ है, बट लाइबिलिटीज़ कम हुई हैं कंपनी का। और आप सबको पता है मोटा भाई अंबानी इसमें आ गए हैं। तो फ्यूचर इंटरप्राइजेस Q1 का रिजल्ट रिपोर्ट नेट लॉस 323 करोड़ रुपये का आ रहा है, जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रीज़नेबल है। क्यों रीज़नेबल है, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है ये 30 जून तक का है, उस क्वार्टर का है जिस क्वार्टर में कोरोना वायरस का कहर था। दोस्तों आप सबको पता है ये इनका जो बिज़नेस है फैशन बिग बाज़ार और इजी डे, ये सब बिल्कुल बंद थे उस टाइम, एक रुपए का सेल्स नहीं था। फिर भी इनका शुक्र है कि कुछ रेवेन्यूज़ आया है, इनका जनरेट हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी बिज़नेस उस टाइम में ठप था। बड़ी सी बड़ी कंपनियों को लॉस है, ओयो जैसे कंपनियों को लॉस है, जोमेटो ओयो, तो ये तो कुछ भी नहीं है, है ना। तो उस टाइम बंद चल रहा था, सारा मार्केट बंद था, इसके वजह से उनको ये लॉसेज हैं। तो ये रीज़नेबल है, इस वजह से हमें शेयर प्राइस में कोई मूवमेंट आज देखने को नहीं मिला, वरना नॉर्मल डेज में अगर इतना बड़ा लॉस हुआ होता तो शायद ये शेयर अभी लोअर सर्किट लगा चुका होता। तो अभी मैं इसमें बुलिश हूँ क्योंकि इनका लाइबिलिटीज़ कम हुआ है, रिलायंस ने पैसे दिए हैं उसके वजह से। तो अभी मैं इस शेयर में बिल्कुल बुलिश हूँ, अभी मुझे लग रहा है कि ये अप जाएगा। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा खींचता के नहीं करूँगा, कोई मतलब नहीं बनता, मैं रोज़ चार्ट को दिखाऊँ, रोज़ आपको तंग करूँ, आपको परेशान करूँ अदर चैनल्स की तरह। मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये इसका लॉस है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये आपको बढ़िया और पॉजिटिव रिटर्न ही देगा। बस जो मैंने बताया है अपने लास्ट वीडियो में, आई बटन में वीडियो है वो देख लीजिए, उस वीडियो में जो मैंने लेवल्स दिए हैं वो लेवल्स को आप फॉलो करिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भैया लाइक कर दो यार, लाइक करना मत भूलना प्लीज़ रिक्वेस्ट है।